वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गरीब नो आज गुरु के संगत जी साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का अमृत वचन है के मन की मन ही माह रही, मनुख चितवड़ियां चितवदा रहिंदा, स्कीमां बनाउंदा रहिंदा, कई गल्लां उसारदा ते टाउंदा रहिंदा, लेकिन वो सारियां दियां सारियां मन दे विच्चे ही रह जांदियां ने। ना हर भजे न तीर्थ सेवे, इहदियां बाकी गल्लां विच किसे किसे चंगे जीव दे प्रोग्राम च भी हुंदी है कि इन्नी उम्र तों बाद तीर्थ यात्रा कर लांगे, इन्नी उम्र तों बाद हरी सिमरन कर लांगे। हालां प्रोग्राम ते गलत है, मैनू अपनी जिंदगी दा पता है। मैं कोई एक सिख नूं आख्या भई तू नित नियम करया कर, ते उन्ने मैनू उसे वेले तत्काल जवाब देता वे महाराज जी जदों तुहाडे वर्गे बुढ़े हो जांगे उदों असीं वी नित नियम कर लांगे। मैं वे काका जवाब ते तेरा बड़ा सोहना, पर तेरे कोल कोई है हो जा अथॉरिटी लैटर भई तू 100 वरे तो उरा नहीं मरना, जे ते कुछ है ही ते जा तेनू 80 वरिया तक मैं इजाजत देना पे जो तेरी मर्जी आ कर ला, रेंदे 20 वरे सिमरन कर ले। ते जे सुहास का ही नहीं पता भी अंदर गया बहर आना कि नहीं आना, ते बहर गया होया अंदर आना कि नहीं आना, ते यह जी ढकौंसला होया फिर बुढ़े होके जी जाप जाप लांगे, एक हुज्जत है। कईया ने उन प्रोग्राम बनाए होंदे ने पे इन्नी उम्र बाद फिर सिमरन करा। गरीब नवाज कहते ने सब गल्लां विचे दियां विचे ही रह जांदियां ने, चोटी काल गही उस वेले का पता ही नहीं लगता जदों मौत आके इनू जुड़े तो पकड़ लेंदी है, जदों मौत इनू चार चफेरों ग्रस लेंदी है, उस वेले का तो पता ही कोई ना है, उस वेले का तो इलम ही कोई ना है, उस वेले की तो सूझ बूझ ही कोई ना। सो मैं भी प्रोग्राम बड़े दिनों तो बनाया सी बुल च गुरुद्वारे का प्रोग्राम सुन के भी इथों कथा शुरू करनी है, ते ऐसे कहे बाबे नानक साहब सचे पातशाह नू असा जोत नालों विछोड़ के इस मृत मंडल ते लियाउणा। पर मेरा भी दिमागी तौर ते अली क्या होया प्रोग्राम दिमाग दे विच ही रह गया, संगतां दी कुछ ढिल मठ जाई वे। साहब सचा पातशाह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जिन्हां दी पावन ताबिया च जिन्हां दी पवित्र हजूरी असीं रल मिल के बैठे हां, उन्हां दी हाजरी भरनी मेरे वास्ते निहायत जरूरी है। जिस गुरु गरीब नूं अज दी कृपा नाल मैं उम्र हंडाई सुख माणिया, हर प्रकार दा आराम मैनूं बाणी ने बख्शिया, उस बाणी दा आदर सत्कार करना ये मेरे वर्गे आदमी वास्ते निहायत जरूरी है। इस नुक्ता नजर नाल मैं लगा अर्ज करन। कथा तो है बहुत लंबी, पर मैं इथों जो लगा प्रारंभ करन कि एक खानदान ऐसा होया भारतवर्ष विच उसने दक्ष प्रजापति राजे नू जन्म दिता, ते दक्ष प्रजापति दियां चार लड़कियां एक बनिता, एक कुद्रू, एक दिति ते एक आदिति, ये चार लड़कियां कच्छप ऋषि नाल विहाईयां गईयां। विचित्र नाटक दे आधार उते ऐसा वचन आया है कि जेड़ी बनता दी औलाद सी उहदा नाम दुनिया उते पै गया गरुड़, ते कुदरू दी जेड़ी औलाद सी उहदा नाम पै गया सप, जेड़ी दिति दी औलाद सी उहनां दा नाम पै गया राक्षस,
ते जेड़ी अदिति दी औलाद सी उन्होंने लोकी देवता कहिंदे सन। उस दिति दी औलाद विचों जैसा कि विचित्र नाटक विच जिक्र आया बनता कुद्रू दित अदित ए रिख बरी बनाए नाग नाग रिप देव सब दैत लय उपजाए। जी अदिति की औलाद सी जिन्हां नूं देवता देवता लोकी कहिंदे सन गुरु गोबिंद सिंह साहब ने राक्षस और देवते की बड़ी सरल जी बड़ी सुखैन जी परिभाषा की है बड़ी सुंदर जी आम फहम व्याख्या की है कि साध पुरख जो कर्म साध कर्म जो पुरख कमावै सोई देवता जगत कहावै। मनुखा सारिया के शरीर पंजां तत्तां दे ने मनुखा सारिया के ही अंग इको जे ने। मनुख सारे ही रात नूं सौंदे ते सवेरे जागदे ने। मनुखा सारिया नूं ही जीवन निर्वाह वास्ते आहार की लोड़ है आराम की लोड़ है। गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चा पातशाह कहिंदे ने कि जिहड़ा चंगे कर्म करदा ना उच्चे कर्म करदा स्वच्छ कर्म करदा उनू लोकी देवता कहिंदे ने। जिहड़ा पैड़े निकम्मे मंदे कर्म करदा बदफैलियां करदा उनू लोकी राक्षस कहिंदे ने। यह है गुरु गोबिंद सिंह साहब की सरल जी व्याख्या कि राक्षस कौन है और देवता कौन है। मैनू अपने पिंड दे एक व्यक्ति का पता हो जाए तक जीवदा हूं भावें बड़ा बुढ़ा हो गया मेरी नगरी च साध आंदे हुंदे सन हुण ते कोई नहीं आंदा। मेरे पिंड विच एक महात्मा होए ने महाराजा रणजीत सिंह साहब दे वेले उन्होंने नांगा जी कहिंदे सन ते तीन बार महाराजा रणजीत सिंह मेरे पिंड विच उन्हूं मिलन वास्ते आया ते वह मिलिया नहीं नांगा। तीजी बार सारे पिंड दे चार चफेरे उन्हें फौजां दा जाल बिछा दिता भई नांगा जाएगा कितने पर नांगा उन्हें फेर नहीं मिलिया। कहण लगा रणजीत सिंह दे मत्थे नहीं लगन। उस नांगे की वजह करके साधुओं का आन जान बनिया रहिंदा सी ते मेरे पिंड दा वो आदमी जी दा मैं जिक्र करना नाम नहीं मैं लैना चाहुंदा वो आए गए साधु नाल रड़खेड़ करदा सी किसे दी चिप्पी इथों चुके उथे सुट दे किसे दी धूणी दी लकड़ी खिंच ला किसे दा चिमटा ही वगा के मार ते साधु बड़े तंग पै जांदे कई ते सटे हुए चले ही जांदे सन और बड़िया बदवाई देंदे सन ये राक्षस है ये दैत है ये संस्कार माड़े ने। लेकिन वो अजे तक भी बुढ़ा होके भी अपनी आदतों तो बाज नहीं आया कर्म इना आदमी दे लागे रहिंदा कि वो अजे तक बाज नहीं आया। जिदे चंगे कर्म ने वो साध है जिदे मंदे कर्म ने वो राक्षस है। भाई गुरदास जी ने इहदी व्याख्या बड़ी सुंदर कीती है मिंट ते तुहाडा एक लगेगा पर मैं तुहाडे सामने उन्हां दा वचन रखना चाहुंदा। भाई साहब कहिंदे ने जैसे तो अनाद आद अंत पर्यंत हंत जिस तरह अन्न भावें चरी भावें बाजरा भावें कणक भावें चने भावें वडाणक भावें झोना ते भावें बासमती आद तो लैके अंत तक वो मार खांदे ने। पहला उन्होंने पैली च बीजिया सुहागा दे के बीज दब दिते फिर वो जमे बेचारे गोडियां दितियां पके तो उन्होंने वड लिया फिर उन्होंने फले च पा के गाया कई दुख दिते चक्की च पा के पीसिया चौला उखली च पा के कुटिया तिलां नूं कोलू च पा के पीड़िया बड़ा दुख मिलदा। जैसे तो अनाद आद अंत पर्यंत हंत भाई साहब कहिंदे ने मार खाण दा नतीजा आपा मारन दा नतीजा अपने आप नूं सोधन दा नतीजा अपने आप नूं किसे कुठाली विच पा के टालन दा नतीजा यह होया कि सकल संसार को आधार भरो या ही सै क्योंकि अन्न ने मार खाधी है आपा मारिया है कष्ट चले ने इस करके वह सारे जगत का आधार ने। अन्न तो बिना कोई आदमी जिस्मानी तौर पर बच नहीं सकता।
ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਅੰਨ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਚਵੇ ਦੀ ਜਾਂ ਤੰਦੂਰ ਦੀ, ਜ਼ਰਾ ਕੁੜਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਈਏ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਉਹ ਨਾਨ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਥਾਂ ਚੌੜੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਢਾਈ ਢਾਈ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਫੁੱਟ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਕੋਈ ਤਿੰਨ ਇੰਚ ਮੋਟੀ ਰੋਟੀ ਵੇਲ ਕੇ ਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਤਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਉਹ ਤਪਿਆ ਉਹ ਹੀ ਕੋਲੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਰੋਟੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੋ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੋ ਦੋ ਚਾਰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਨਾਨ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਈਰਾਨ ਔਰ ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਅੰਨ ਦਾ ਅਨਾਦਰ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾ ਤੇ ਅੰਨ ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਨਿਰਾਦਰ ਬੜਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਗੇ ਗੱਭਰੂ ਮੁੰਡੇ ਬਰਸਣ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਮੈਂ ਕੁਵੈਤ ਵੇਖਿਆ ਨਾਨ ਉਹਨਾਂ ਲੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੈਰ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਰ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸੰਭਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਅੰਨ ਵਰਤਣ ਦਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਨ ਵਰਤਣ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਨ ਵਰਤਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਨਾ। ਕੋਈ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਖਾ ਲੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਸ ਕਰਕੇ ਭਈ ਇਹਨੇ ਕਸ਼ਟ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਤੋ ਅਨਾਦ ਆਦ ਅੰਤ ਪਰਯੰਤ ਹੰਤ ਸਕਲ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਆਧਾਰ ਭਇਓ ਯਾਹੀ ਸਹਿ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਤੋ ਕਪਾਸ ਤਰਾਸ ਦੇਤ ਨਾ ਉਸਾਸ ਕੱਢ। ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਮਾਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਮੰਜੀ ਤੇ, ਫਿਰ ਤੂਤ ਦੀ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਚੰਬਦੀਆਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਵੇਲਣੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਵੇਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪੇਂਜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਗੋਲੇ ਬਣੇ, ਪੂਣੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਚਰਖੇ ਚੱਲੇ, ਧਾਗੇ ਬਣੇ, ਛੱਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਅੱਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਜੁਲਾਏ ਨੇ ਰੱਛ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਧੋਬੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਠੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਤਪਾਇਆ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਪਟੜੇ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਸਹਿਆ ਕਪਾਸ ਨੇ। ਉਸ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ, ਜੈਸੇ ਤੋ ਕਪਾਸ ਤਰਾਸ ਦੇਤ ਨਾ ਉਸਾਸ ਕੱਢੇ ਜਗਤ ਕੀ ਓਟ ਅੰਬਰਾਦ ਭੈਵਾਹੀ। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੀ ਲੱਜਾ ਨੂੰ ਕੱਜਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਕਪਾਹ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਣ ਗਏ। ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਢੰਗ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੱਤਾਂ ਅੱਠਾਂ ਗਜਾਂ ਦੀ ਚਾਦਰ ਬੰਨਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਜਾਮਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਤੰਬੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਪਤਲੂਨ ਪਾਉਂਦਾ, ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਰਜਸ ਪਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਖੁੱਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਦਾ ਪਜਾਮਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੀ ਲੱਜਾ ਨੂੰ ਕੱਜਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕਪਾਹ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦਰਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਤਸੀਏ ਸਹਿ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਤੋ ਕਪਾਸ ਤਰਾਸ ਦੇਤ ਨਾ ਉਸਾਸ ਕੱਢੇ ਜਗਤ ਕੀ ਓਟ ਅੰਬਰਾਦ ਭੈ ਵਾਹੀ ਸਹਿ। ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜੈਸੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਖੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਹਰ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਰੰਗ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਧੁੱਪ ਲੱਗੇ ਤੇ ਤੱਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਛਾਵੇਂ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤੇ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਣੀ ਨਾ ਵੈਸੇ ਠੰਡਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਗਰਮ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਤੱਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਆਪਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜੈਸੇ ਆਪਾ ਖੋਏ ਜਲ ਮਿਲੇ ਸਭ ਬਰਨ ਮੈਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਆਪਣੀ ਖੁਦੀ ਗਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਿਟਾ ਕੇ ਹਰ ਬਰਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਵੀਹ ਗਲਾਸ ਲਓ, ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਰ ਦਿਓ, ਵੀਹ ਗਲਾਸਾਂ ਚ ਵੀਹ ਰੰਗ ਪਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਚ ਨੀਲਾ, ਕਿਸੇ ਚ ਪੀਲਾ, ਕਿਸੇ ਚ ਜ਼ਾਫਰਾਨੀ, ਕਿਸੇ ਚ ਗੁਟਈ, ਕਿਸੇ ਚ ਅਨਾਬੀ, ਕਿਸੇ ਚ ਮੋਤੀਆ, ਕਿਸੇ ਚ ਗੁਲਾਬੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਪਾਓਗੇ ਬਾਹਰੋਂ ਗਲਾਸਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਜਿਸ ਰੰਗ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਣਾਇਆ, ਖੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਹਮ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਹਮ ਕਿਸੇ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਤੇ। ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਮਾਰਨ ਦਾ? ਖਗ ਮ੍ਰਿਗ ਮਾਨਸ
त्रिपत गत वाही से उसे पानी को खग मैने पंछी मृग मैने जंगल दे हरण ते मानस मैने मनुख अपनी प्यास बुझाते ने फिर वो सारे दी प्यास बुझाने वास्ते समर्थ हो गया जदों उन्हें अपने अंदरों आपा गुआ दिता जदों अपने अंदरों उन्हें हउमे गुआ दी जदों उन्हें अपना तकबर छड़ दिता तीन प्रमाण दे के भाई साहब कहिंदे ने जेड़े गुरमुख प्यारे महापुरुष जिन्हां नूं संत कहिंदे ने ना तैसे दुख भूख शुद्ध साधना कह साध भय इस तरह साध भी दुख चल के भूख चल के तप करके साधना साध के अपना आपा गवा के ते फिर वो संत बनदा जैसे दुख भूख शुद्ध साधना का साध भय फिर सकल संसार को उद्धार अवगाही से अवगाही मैंने हुंदा निर्णय अवगाही मैंने हुंदा फैसला अवगाही मैंने हुंदा तत कड लेना ये तत निकल आया ये फैसला हो गया कि जेड़ा साध दुख सहिंदा भुख सहिंदा तप करदा सिमरन करदा आपा मारदा वो फिर सारे जगत दे तारन दा कारण बन जांदा और वो असली संत बन जांदा असी ते निरे पग दे संत हां जे सीधी पग नाल सरदा नजर आया ते सीधी रख ले जे विंगी जे करके सरदा नजर आया ते विंगी रख ले जिन्हू असली कोई साध कहिंदे ना मन करके साध वो उदों बनदा जदों उसने मन साध लिया होवे तैसे दुख भूख शुद्ध साधना का साध भय फिर सकल संसार को उद्धार अवगाही से यह फैसला है तो यह हो जाए जरा संत है वो संसार दा पार उतारा कर दे ये है संत दी परिभाषा ये है देवते दी परिभाषा जरा चंगे कर्म करे नेक कर्म करे उत्तम कर्म करे उन साध केंद्र वो जड़ी दिति दी औलाद सी ना देवता खोण वाले विचित्र नाटक कहिंदा पैतां ते सूरज रूप को धरा उदे विचों एक काका जमया देवतियां दे कुल विचों उदा नाम सूरज राय रखया गया बंश पर चुर जाते रव कर उस सूरज राय दे नाम ते सूरज वंश प्रचलित होया उस काके तो बिना दुनिया दे तख्ते उते कोई सूरज वंश नहीं सी उस काके दे उस मनुख दे उस देवते दे उस चंगे व्यक्ति दे नाम ते सूरज वंश प्रकट होया जिन्हां महापुरशां कोलों मैं पढ़दा सां उन्हां दा मोटा जिहा बचन भी बड़ी गहराई रखदा सी ते बड़े प्यार विच आके ओह कई वार कहिंदे सन बेटा जब तुम आए जगत में जग हंसे तुम रोए जदों तू मां दे गर्भ चों जन्म लिया सी इस फानी दुनिया बिलस जाने वाली दुनिया में जदों तू मेहमान बन के आया सा उदों जग बड़ा हसदा सी मां नूं वधाइयां काका जमया नहीं मुबारक प्यो नूं वधाइयां काका जमया भाई वधायो रिश्तेदार आ गए बड़ा कुछ होया पंगड़े छंगड़े पे बड़े लोग हसे बड़े इधर उधर नचे टपे भाई काका जमया लेकिन महापुरुष कहंदे ने लोग ही हसदे सन ना तू तो रोंदा ही था जब तुम्हें आए जगत में जग हंसे तुम रोए तू तो चीखा मारदा सा तू तो दुआई दे रहा सा तू तो कड़पदा सा तू अपनी शक्ति नालों बिछड़ के एक अदना जर्रा बन के इस मात लोक विच ठोकरा खाण नू आ गयो तेरे कोलों ते बड़ा कीमती हीरा खुश गया इस करके तू तो रोंदा सा पर जे हुण आ गया ते रोना छड़ दे ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रो ऐसी करनी करके दुनिया विचों जा पे तेरे चले जाने दे बाद तैनू याद कर करके दुनिया रोवे कई महापुरुषों नू याद कर दी है रोंदी है दुनिया अज बाबा बुढ़ा हुंदा अज भाई जेठा हुंदा अज भाई बिधी चंद हुंदा काश अज फलाना गुरु का सिख भाई पिराणा हुंदा उन्हां नू याद करके दुनिया रोंदी है एहो जी करनी करके जा भाई तेनू याद करके दुनिया रोवे पर दुनिया छड़न लगे तेनू ना रोना पे तू हसदा हसदा ही चलिया जाए तू खुशो खुरो मशकूरो ममनून चलिया जाए तेनू दुनिया छड़न लगे कोई कल्पना ना हो कई बार यह कल्पना बेपरवाह आदमी की भी मुक जाती है मेरे पिंड सरदार बूटा सिंह साहब हुंदे सन बीमार हो गए
उन्हां दे पेट विच पंज छे मोरियां हो गईयां, उथों दी गंदा मंदा मुआद चुंदा रहना, ते उहदियां परजाइयां बड़ियां लगदियां सी शरीके बरादरी चों। उन्हां विचों सियाणी दा नाम सी माई रली। वह माई रली अपनियां सहेलियां पंज दस कट्ठियां करके ते आई पई बूटा सिंह दी खबर लै आई है। जिस वेले नेड़े जे आईयां ते कहिंदा ओ रईए ये लाणा बाणा लै के मुड़ जा, जिहड़े कम नूं तूं आई है ना ओ नी अजे गल, ओ नी वेला अजे आया, दो मंदर जाए तो कोई नहीं लोड़ देते। कोई ज्ञानी नहीं, कोई त्यानी नहीं, कोई पढ़िया लिखिया नहीं, कोई तपस्या नहीं, बेपरवाही विच ही, लाइलमी विच ही इन्नी बेपरवाही जी, कहन लगा ला जा इन्हां नूं जिस करके तू आई हाय हाय हाय, ओ नी वेला आया अजे, उहदे सची मुझे मोरियां बंद हो गईयां ते राजी हो गया। ते जिन्हां दी करनी चंगी होए उन्हां नूं ते लोकी मोया होया मनदे ही नहीं, ना वो मरदे ही नहीं। ये असी खुद गर्द जे लोग हाँ, जिन्हों का सानू पता भी होवे ना भी इहदी सारी जिंदगी पाप कर दिया, कट तोल दिया, झूठ बोल दिया, थोड़ा मिण दिया, हर लहमा इहदा पाप विच गुजरिया, जितने वह मर जाता असि वाजे चुके जा बहने मड़िया विच, संत मूवे गया रुपये तेरा बेड़ा तर जाए, जे भी संत आ ते पापी किहड़ा हो। अभी उधर भी जाके लोगों को एक रुपया अरदास लैण वास्ते पाड़ी देने, संत मूवे गया जो अपने गृह जाए। गुरु क्या सिखा, श्री गुरु ग्रंथ साहब की बख्शी हुई गुरमत जिस वेले तेरे अंदर आ जानी है ना, उदों ते तेरी आत्मा इत्थे कि जे पहुंच जानी है ते जमणे नूं खुशी कोई नहीं, ते मोए होए दा निराद, मोए होए दा कोई वैण पाउण दा हाय हाय करन दा मतलब। हुक्म नाल जम्मिया सी, हुक्म नाल चले गए, जिहड़ा हुक्म नाल जम्मिया उस दिन ते तू जमण वेले कड़ाह कीते, तो उसे हुक्म नाल अज मर गया, अज सियापा कहला यार उसे हुक्म नाल ही मोया जेड़े हुक्म नाल जमिया। गुरमत दे गल कहिंदी है भई जे गुरमतिया बनना ने जमण वेले कड़ाह कीता सी मरण वेले भी कर, साहब सच्चे पातशाह ने पूरने पाए सन, पर मत मैं पिछे कोई रोग सी सो मैं मूल में पाया, ते मेरे पिछे सियापा ना करियो भई हाय हाय अमरदेव मर गया, मर गया, मर गया, मर गया। महाराज कह रहे मैं पिछे कीर्तन करो निर्वाण, मेरे पास पिछो मेरे प्राण छड़ जाने, दुनिया छड़ जाने दे बाद अमृत बाणी दा अमृत कीर्तन करो, वाहगुरु दे सोले गायो, ये सब खेड हुक्म विच है। सूरज वंश ने नाम उते एक वंश चलिया, तिनके वंश दुखे रव वयो, रव वंश जे जसे जगहे चलियो, तिन ते पुत्र होत भयो अजबर। उस सूरज बंसी खानदान विचों एक काका जमिया, उहदा नां रखिया अजबर, तां ते पुत्र होत भयो अजबर, महारथी अर महाधनुर्धर। बड़ा तकड़ा रथवाई सी और बड़ा तकड़ा तनिष्ठारी सी ओ अजबर। तिन जब भेष जोग को लियो, राजपाट दशरथ को दियो। अजबर जदों बुढ़ा हो गया, हुण ते असी बुढ़े होण तक दुनिया वालों ताल्लुक नहीं तोड़दे, पुराने जमाने विच रिवाज सी कुछ उम्र दे बाद आदमी संसार नालों ताल्लुक तोड़ लैंदा सी, निर्लेप जिहा होके बह जांदा सी। जिस वेले अजबर भी सियाणा हो गया, उम्र पिछली आ गई, रोम सफेद हो गए, ते वह दुनिया विचों लांभे हो गया, उन्हें अपना राज साज दशरथ नूं दे दिता। बचित्र नाटक यह गल कहिंदा दशरथ दे बारे पई, वह भी बड़ा धनुषधारी सी, वह भी बड़ा बहादुर सी, जिहड़ा उन्हें बाण मारिया जिहदे नाल सरवण मोया, यह दिने नहीं सी मारिया, यह बाण रात मारिया और रात हनेरा सी। शरवण गया सी अपने माता पिता लई पानी दा मटका भर दे, जिस वेले पानी दा मटका भर गया ते अखीर ते जाके उहदे विचों गप 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 दी आवाज निकली, दशरथ नूं भुलेखा पै गया भई कोई जंगल दा जानवर शेर या हरण पानी पीण आया, जिथों ओ आवाज निकली सी ना मटका भरन दी, उथों दा रात दे हनेरे विचों ने निशाना सोधिया और ऐसा मारिया ते सरवण दे खब्बे पासे छाती चो तीर लगा, उहदे प्राण निकले। किन्ना ओ धनुषधारी होवेगा, किन्ना ओ लड़ाका होवेगा, किन्ना ओ वीर विद्या विच सियाणा होवेगा,
ये पुराने जमाने के लोगों का करतब सी। साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चा पातशाह गरीब नो आज जो दिल्ली आए ने ते बैठे बहादुर शाह वगैरह एडे होर अहलकार ते हजूर ने एक तीर मारिया। वो तीर मेज दे उस पावे विच आके वज्जा जिथे बहादुर शाह सी। तीर पुट के वेख्या गया उहदे नाल सवा तोला सोना सी। हैरान हो गए सारे अहल कर पे ये गुरु गोबिंद सिंह की करामात है। ते सरकार ने दूजा तीर मारिया पछाणिया तीर इस करके गया पहला भी नाल सवा तोला सोना सी। गुरु गोबिंद सिंह साहब दे तीर नाल सवा तोला सोना हुंदा सी भाई जड़ा मेरे तीर नाल मर जाए उहदे खफण वास्ते परेशान ना होना पे रकम उहनू मेरे तीर नालों ही मिल जाए। हर हरकत विच परोपकार सी, हर हरकत विच नेकी सी, हर हरकत विच उच्चा आदर्श। जिस वे अहलकार आख्या ना ये कला मात है ते हजूर ने दूजा तीर मारिया उहदे नाल एक छोटा जिहा पुरजा लिख के बन के मारिया उहदे ते लिखिया होया सी ये मेरी करामात नहीं ये मेरा अभ्यास। जिहड़े पुराने दाने ने ना हुण ते असीं जी जूझ गए हां तूंबी दे उत्ते ही चलो बूटा सर जांदा गांह की जाना। पुराने जिहड़े दाने सी उहनां दे कोल बह के तुसीं कदे गल्लां करो जिहड़े जाणदे ने हिस्टरी नूं कहिंदे ने गुरु गोबिंद सिंह साहब दा तीर ठीक चार मील उत्ते जाके निशाना फुंड लैंदा सी ते हुण वी जिथे तीर मारिया ते जिथों सरकार ने मारिया ना उथे भी तीन मील का फासला। तीन मील तो है निशाने उत्ते तीर मारिया कोठे के अंदर बैठे। यह है वीर विद्या। जिस वे अर्जुन वगैरह की प्रीक्षा हुई है ते हाल की सी थले पानी सी विच एक थम्मा सी। थम्मे दे उत्ते एक मच्छी बनाई हुई सी और वो मच्छी सहजे 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 ऐं चक्कर कट गई। मशीनरी ऐसी सी भई वह चक्कर कट दी सी। ते शरत यह सी भई इस मच्छी की अख विच मारना तीर है। कोई कौरवों विचों है कोई पांडवों विचों बहादुर है कोई निशानेबाज। सहदेव आया राजगुरु ने पूछा सुना निशाना मारना। कहने लगा मारना। सोध निशाना कढ़िया तीर चारिया चिले उत्ते। जिस वेले उतां खिंचिया ते राजगुरु ने पूछा की लगदा ई। कहन लगा महाराज जां तुसी लभदे हो ते जां मच्छी लभदी है ते जां मच्छी दी अख लभदी है ते जां जिस खंभे उत्ते मच्छी भौंक रही है वह खंभा लभदा होर मैनू चीज लभदी कोई नहीं। कहन लगा तेरी मर्जी चला भावें ना चला तेरे कोलों निशाना फुंडिया नहीं जाना। तेनू मैं भी लभदा तेनू खंभा भी लभदा तेनू मच्छी भी लभदी तेरे कोलों निशाने ते तीर नहीं वजे। गल्लां बातां जी फेल हो गए। अर्जुन आया कढ़िया उन्हें तीर चाढ़िया चिले उत्ते। राजगुरु ने पूछा की लगदा ई। कहिंदा मच्छी दी अख तो बिना होर लभदा ई कख। ये एकाग्रता है। इथे पहुंचा होया साध साध बनदा। इथे पहुंचे होए नूं लोकी संत कहिंदे ने। तीर मारिया डेले दे विच मारिया लेकिन भाई साहब भाई गुरदास के ख्याल एडू लंबे ने। कहंदे ने वीर विद्या माहे बली पए हैं धनुषधारी। जेरी शस्त्र विद्या है मैदान जंग की विद्या है इहदे विच बड़े बड़े धनुषधारी होए ने बड़े बड़े लड़ाके होए ने बड़े बड़े पैंतड़े बदल के लड़ते रहे ने बड़िया बड़िया दुश्मनों नाल मुकाबले मार किते ने पर हंगता को मारना परम लिव लाई है। किसी को हौमे नहीं मारी गई। दुश्मनों ने तो मार लिया हो बंदियां तो खत्म कर दिता हो। किसी को हंकार नहीं मोया तो हंकार मरन तो बिना वाहगुरु विच लिव नहीं लग निरंकार च जुड़िया नहीं जाता। दशरथ वास्ते भी लिखिया पे होत भयो वै महा धनुर्धर ते तीन तीयान बरा जह रुच कर। बड़ी रुचि नाल बड़े शौक नाल बड़े प्रेम नाल महाराजा दशरथ ने तीन विआह कराए। हुण ते मेरे देश विच एक ऐसा रिवाज आ पिया तो जिथे चार साडियां भैणां तीआं बच्चियां कट्ठियां होकर बह जाण फिर सोहले बड़े गाउंदियां ने भैण जड़ी सौंकड़िया तो कंध ते लिखी हुई भी नहीं है मान हुंदी। दूजी बोलदी है तू कंध दी गल करनी। सौंकण मिट्टी दी होवे ओह भी मिट्टी घेरदी रहिंदी है उस तों।
ते मेरे सामने उदो रामचंद्र दी मावां दा इतिहास आउंदा भाई रामचंद्र कौशल्या दा पुत्र ते लक्ष्मण सुमित्रा दा पुत्र। जिस वेले राम जी बनवास नूं तुरन लगे ने ना ते राम दी मां ने बांह फड़ के आख्या सी बेटा की करन लगा, कहन लगा पिता दी आ गया बनवास जाना, दही खुआल कंठ नाल ला मां, तू मेरी मां है ते मैनू अंत वेले प्यार दे के आशीर्वाद दे, मैं पिता दी आग्या पालन विच समर्थ साबित होवां। ते मां ने एक अड़चन पैदा करती, कहन लगी ओ प्यो ते मैं मां, तेरे वास्ते जो जा प्यो दा हुक्म हो जा मां दा हुक्म, मैं कहनी हां नहीं बनवास जाना, वारी मेरी है। नहीं महाराज ये खूह जुटा वे ते आड़ विच इक कख आड़ जाए ते सारे दिन च क्यारे ना फर्क पै जाना, क्यारा घट पड़ता। फिर जुड़े मेरी गल वल, तेरे वास्ते जो जा प्यो दा हुक्म हो जा मां दा। ते राम ने जवाब दिता सी मां जे तेरे हुक्म नू प्यो दे हुक्म नाल तुलना दे के मैं रह पावां ते तेरे पति दे हुक्म दी निरादरी होए, तेरे पति दे हुक्म नू तब्बा लग जाएगा, तू चाहनी है तेरे पति दे हुक्म दी निरादरी होए। मां खामोश ते कहन लगी जा, पर मेरियां दो तीन गल्लां याद रखी। उन्हें कहा हां ये गल कहो पी, वो गल्लां की ने? कहन लगी पूत रहो बल जाओ पियो जल, बात सबे समझाए कहो, मात बुलाए के राज को मोहे कहो, बहरो बनवास गहो, धर शीश लई सो करो अब ही तुम देहो विदा, न विलंब चाहो मोरे अक्षत चंदन भाल लगाए, के देहो आशीष खवाए दहो। ओदी भावना सुनी ते तुरदे हुए पुत्र दी बांह फड़ के कहन लगी बेटा मेरी एक अर्ध है जे तू चेते रखे की। कहन लगी जानकी तिहारे संग सीता तेरे नाल चली है, जानत ना एक है दुख, इन्हें अजे तक पेकियां ते सहुरियां दे घर विच कोई दुख नहीं वेख्या, या को सब लाड बेटा बन हूं मैं सही हो। बेटा सीता दा सब लाड प्यार, सीता दियां सब जिदां, सीता दे सारे मुतालबाद जंगलों में अपने सिर ते चली, पान को चल बो जहां लो यहां पैर चले हो जाए, तैरा नाल ओना के तुरी जिनी की सीता तुर सके, आगे जिन जाइयो या को संग नर भइयो, तेज तेज तुर के अगे ना निकल जाई, सीता दा साथ निभावी। ते तीसरी गल बड़ी वड्डी जबरदस्त होंगी, जेड़ी तीजे थां आकी जाए ना गल जबरदस्त होंगी। अबल तो मैं आऊ करांगा, नहीं तो मैं आऊ करांगा, ओ आऊ तो मैं कर ही देना ना। तीजी गल बड़ी, वो जदो परशुराम गाला कढे ते रामचंद्र जी चुप कर रहे, ते लक्ष्मण नू क्रोध आ गया, कहण लगा महाराज गाला कढदा तुसी चुप कर दे, मैनू आग्या दो जबानों ना बोलो, सिर्फ अख नाल इशारा कर दो, कहो बंद दारो, जे तुहाडे अख दा इशारा हो जाए तो मैं बन के दीआं मुश्कां तुहाडे अगे सुट दो, कहो औध पर हारो, जे तुसी अख नाल इशारा कर दे मैं जान कढ दिया इहदी, कहो जूरा काट लीजिए, जे तुसी आखो तो मैं इहदे सिर दा जूरा वढ लां, उदों जिस ब्राह्मण नूं मौत दी सजा देनी होवे उहदा जूरा कट लेंगे। तीसरी गल जिहड़ी वड्डी जबरदस्त है, तीजे थां जाके कही लक्ष्मण ने, भई जे तू आखे तो मैं इहदा जूरा कट के इहनूं दस दिया मजा, भई किदां बोली दा अवतारां दे सामने। मां कुशल्या ने भी तीजे दर्जे उत्ते एक गल कही, कहण लगी बेटा पायन को चल बो जहां लो यहां पे चलियो जाए, आगे जिन जइयो या को संग नर भइयो। ते तीसरी गल ए सी बेटा लक्ष्मण जू को मुख भूखो ना रहन दीजो, ए ना जानी भई लक्ष्मण मेरी मां दी सौंकण दा पुत्र है, ना बेटा इनू टिड्डो भुखा ना रखी। लक्ष्मण भुखा रहा ते कौशल्या कोलों दुख नहीं हो जरिया जाना, सौंकण दे पुत वास्ते अपने सके पुत नू ताकीद कर रही है, लक्ष्मण जू को मुख भूखो ना रहन दीजो। ते जे कौशल्या ने इनी कुर्बानी की है ना, भी सौंकण दे पुत्र वास्ते हूं कही, ते जंग लड़द्या लड़द्या लक्ष्मण नू वजी बरछी, वो हो गया मूर्छित, रौला पै गया भी मर गया, किसे ने
सुमित्रा नु आके कहता तेरा पुत मर गया। ते सुमित्रा रोई नहीं, टाइया नहीं मारिया, स्यापा नहीं किया, दुअथड़ा नहीं मारिया, हस पई, हस कहन लगी हूं तो आज सपूती भई जो राम हेत लक्ष्मण दे गई, मैं पुत्र वाली आज हां, मेरे घर काका जमिया ही आज, जे मेरा मुंडा अपने वड्डे भरा दी हमदर्दी विच शहीद हो गया। ते अगला बचन होर बड़ा कीमती कहा, सुमित्रा ने कहन लगी स्वामी हेत सेवक जो मरे, स्वामी की वफादारी विच, मालक की वफादारी च जड़ा सेवक मर जाए ताकि मात शोक क्यों करे, ओदी मां क्यों रोवे, ओदी मां क्यों स्यापा करे, स्यापा तो ना करो जड़ा बेवफा है, निमक हराम है, धोखेबाज है। कर प्रकरण बहुता लम्मा हो जाएगा, मैं जड़ी चीज तुहाडी खिदमत विच अर्ज करना वो मैं इथों लै गया, भाई तिना इस्त्रियां नूं रुच के व्याया ते तिना दा इतफाक रहा, तीन त्रियान बड़ा जे रुच कर, प्रथम जयो तेहराम कुमारा, वड्डी स्त्री ने राम जी नूं जन्म दिता, भरत लक्ष्मण शत्रु बेदारा, भरत भी जन्मया, शत्रुघ्न भी जन्मया, लक्ष्मण भी जन्मया, ते विचित्र नाटक की रोशनी है, विचित्र नाटक का हवाला है कि उन्होंने बड़ा चिर राज कीता, बड़ा लम्मा अरसा राज कीता, प्रथम जयो ते राज राम कुमारा, भरत लक्ष्मण शत्रु बिदारा, बहुत काल तिन राज कमायो, जाल काल ते अंत फसायो, बड़ा चिर राज कीता पर मौत ने अपनी जाली च उन्होंने फसा ही लिया। जिस वे ओ दुनिया तो चल गए, सिया सुत बोर भय दोए राजा, फिर सीता दे दो पुत्र लऊ ते कुशु, पंजाबिया एक गल ते माण करया कर, बेशक बुझा नूं ता दिया कर, लऊ ते कुशु ने अजकल भी जेडे सियाने खानदान ने ना उच्चे अपने आप नूं मन्ने परमन्ने खानदान मनदे ने, उन्हां विचों किसे लड़की ने जदों किसे लड़के दी मां बनना होए उहदे कोलों कम नहीं कराउंदे, उन्हूं कपड़े बड़े चंगे पहनाउंदे ने, उन्हूं खुराक बड़ी आला देंदे ने, उहदे चार चफेरे गम ते गुस्से वालियां गल्लां नहीं करदे ताकि जन्म लैण वाले बच्चे दे उत्ते उल्टा असर ना पए। लेकिन सीता हिंदुस्तान दी राणी सीता जदों उन्हें किसी बच्चे की मां बनना सी ना, उन्हूं घरों कढ दिता गया, उन्हूं देश निकाला दे दिता गया, उन्हें लऊ ते कुशु नूं बनवास विच एक ऋषि दे आश्रम ते पंजाब की धरती उत्ते जन्म दिता, ते पंजाबी उस्ताद कोलों फिर वह शस्त्र और शास्त्र विद्या पढ़े, निपुण हो गए। जदों रामचंद्र ने घोड़ा छड्या ना, पहाओ माई दा लाल को मेरा घोड़ा फड़े, तो जदों लऊ कुछ ना दे डेरे आया उन्हें फड़ लिया, कह लगा साडे जिउंदिया घोड़ा छड़न वाला किहड़ा जम्मिया, घोड़ा बन लिया, पंजाबी उस्ताद ने सिखाया होया ने घोड़ा बन लिया, तो फिर मां ने आके तरले ले सीता ने पुत घोड़ा छड़ दियो तुहाडे प्यो दा, ये घोड़ा तुहाडे पिता दा। कई कई गल्लां बड़िया अजीब आउंदियां ने, महाराजा रणजीत सिंह साहब ने एक घोड़ी खरीदी सी, ते हुक्म है सी जिहड़ा मेरे तो बिना इस घोड़ी ते चढ़ेगा मैं उन्हूं शूट कर दिया, गोली मार के मार दिया। वो एक दिन कंवर दलीप सिंह ते चढ़ गया, शिकायत हो गई कि महाराज तुहाडे हुक्म दी उलंघना हो गई, कंवर दलीप सिंह घोड़ी ते चढ़ गया, कहने लगे बुलाओ राजा का हुक्म कौन उल्टा सकदा, ते लैण वास्ते हरी सिंह नलुआ गया, नेड़े जे आ गया फड़ लिया कंवर दलीप सिंह नूं बांह, जिहड़े कोल जे आ गया रणजीत सिंह दे ते झंझोड़ के बांह फड़ के हलूण के जिहड़ा आख्या होए बस तू घोड़ी तो चढ़ गया, तेन पता घोड़ी कि तेरे प्यो नहीं है, तो रणजीत सिंह अज गया प्यो दी नहीं तो हो गए भी, कहता फिर इन क्यों लगा मारना, अगर प्यो की घोड़ी तो पुत नहीं चढ़ना, जे अज तू अखियां मीड़िया तेरे तो इन्ने ही बहना, क्यों लगा काके नूं मारना। कई बार तैश में चाहे आदमी को बड़िया बड़िया अनहोनिया गल्लां भी हो जांदियां हन, जिस वेले सियासत बौर गए दोए राजा,
विचित्र नाटक कहिंदा पे सीता दे पुत्र दोवें राजे हो गए लऊ ते कुशु। पंजाबी उस्ताद दे पढ़ाए हो बड़े धनुषधारी बड़े शाने दयाने विद्वान राजपाट उन्हीं को छाजा पंजाब का राजपाट उन्होंने फब गया उन्होंने टुकया मद्र देश ईश्वर जा गरी जग मद्र मैंने माझा यानी पंजाब देश दे ईश्वर ज मैंने राजियां दियां जा मैंने जाइया हुई राजियां दियां तियां जिस वे लऊ ते कुशु ने व्याईया मद्र देश ईश्वर जा गरी जब उदो भांत भांत के जग किए तब ताहे तने बांधे दो पुरवा दो शहर भी बधे पंजाब च एक कसूर द्वितीया लाहौरवा एक शहर का नाम कसूर सी एक का नाम लाहौर सी लहू के नाम उत्ते लाहौर सी कुशु के नाम उत्ते कसूर सी अदक पूरी ते दो विराजी निरखलंक अमरावत लाजी एडिया दोवे पुरियां कुग वसियां कसूर ते लाहौर एडे चंगे आबाद होए कि उन्होंने वेख के उन्हें वल निहार के जड़ी लंका की पुरी सी ना जिथे रावण कदे रहिंदा हुंदा सी वह भी शर्मिंदी हो गई। लंका की पुरी नूं भी अखां नीवियां करनियां पै गई और किसे वेले रावण नूं भी अखां नीवियां करनियां पईयां सन लंका पुरी वल रावण नूं बरछी वज गई श्वास अंतले आ गए अशोक बाग जला दिता गया सोने की लंका नूं अग ला दिती गई रावण ने नेत्रां नाल वेख्या सब कुछ ते वेख वेख के कहन लगा यही गढ़ लंक को निशंक हो न देख सके ए लंका सोने का किला जिदे वल कोई सूरमा आजादी अख ऊची करके वेख नहीं सी सकदा यही गढ़ लंक को निशंक हो न देख सके आज्ञा को मान माथे शीश को चुकावते बड़े बड़े जरवाने बड़े बड़े गांडीव बड़े बड़े तनुषधारी मेरी आज्ञा नु मन के मेनू मथे टेकते सन मेरे अगे सिर चुकाते सन सातों पौर बाहर बिछाना बिन ठंडे रहे किले दे सत्ता दरवाजिया तो बाहर बगैर बिस्तरे दे खलोते रहते सन मैनू मेन आए हुए राजे न्यारो न्यारो अपनो जुहार पहुंचावते ते अपनियां वखरियां वखरियां डंडौता मैनू भेजदे सी कोई दो हाथ जोड़ के कोई डेढ़ हाथ जोड़ के कोई अष्टांग एक लत गोडिया उत्ते रख के कोई आदमी डंडौत लम्मा पै के कोई आदमी किसी तरह मैनू वखरे वखरे सिजदे वखरियां वखरियां डंडौता भेजदे सन यही को बुलाग तो सो आग तो सशंक मान जिन्हू मैं सददा सा पे आ जा अज तेरी मुलाकात की वारी है ओह आउंदा सी ओह भी डरदा डरदा आउंदा सी पर पता नहीं जांदिया रावण ने की कर सकना बिना मेरे कहे जिग बैठनो ना पावते ते जिन्ना चिर मैं आखदा नहीं सी ना सदे होए नूं पे बह जा उन्हां चिर किसे दे मां दे लाल दी जुरत नहीं सी कि बिना मेरी आज्ञा तो मेरे दरबार चो बह सके वाही गढ़ लंक को ऐसे सोने दे किले नूं रीछ बानर लपेटत है रिछ ते बानर बर्बाद कर रहे ने सभी दिन एक से ना देखे मन भाव प्यारे सारे दिन इको जे नहीं रहिंदे अखां नीवियां रावण नूं भी करनियां पै गईयां सन रावण नूं भी झुरना पै गया सी जिस वे लंका बर्बाद हो गई रामचंद्र दा होर डंका वज गया लव कुशु ने दो शहर वसा लए वो बड़े कुग वसे ते विचित्र नाटक दा फरमान है पई बहुत समय तिन राज कमायो बड़ा चिर राज कीता लऊ और कुशु ने आखिर मौत ने उन्होंने भी अपना ग्रास बना लिया मौत ने उन्होंने भी हड़प कर लिया वह भी चले गए वह भी कूच कर गए। धन गुरु ग्रंथ साहब सचा पातशाह गरीब नु आज हुक्म देंदे ने ओ रहन न पावे सुर नर देवा ऊठ सिधारे कर मुन जन सेवा जीवत पेखे जिनी हर हर ध्याया साध संग तिनी दर्शन पाया बादशाह वापारी मरने जो दिशा सो काला खरन जेड़ी चीज वेखण विच आ रही है दृष्ट मान है सगल मथेना पावे पहाड़ है पावे किला है पावे दरख्त है पावे आसमान है पावे दरिया है पावे शहर है जेड़ी चीज अखा नाल दिसदी है ना उसने फना फिला हो ही जाना उसने बर्बाद हो ही जाना उसे कायम रहने की
कोई आस नहीं रखनी चाहिए। अगर कायम रहने वाली कोई चीज है तो केवल एक सतनाम वाहे गुरु। लव कुशु भी चलेगा, लव कुशु की औलाद विचों काल केत ते काल राय दो राजे होए ने। कसूरिया के खानदान विचों काल केत ते लाहौरिया के खानदान विचों काल राय। इन्हों का जंग बड़ा हुआ, इन्हों की लड़ाई बड़ी तकड़ी है। देखो खून इको है, पिछा इको है, औलाद इको राम जी ने, ते जंग हो गया बड़ा तकड़ा। विचित्र नाटक कहता है रचया रचा बैर बादम विदाते अपार। अपार प्रभु ने इस संसार विच वैर विरोध ऐसा पसारिया, ऐसा पसारिया कि कोई एक दूजे के नेड़े रल के बहन ही तैयार नहीं। मैं शायद कल भी यह जिक्र किया सी, असी कुछ होर दे होर ही हो गए। रचा बैर बादम विदाते अपारन, जिसे साध साचो नको सुधारन। बली कामराय महालोभ मोहं, गयो कौन वीरन सोजाते अलोह। काम क्रोध लोभ मोहंकार जो बड़े बहादुर बली हैं जरवाने, कोई एक माई का लाल दसो जेड़ा इन्होंने वार तो बच निकलिया हो, जेड़ा इन्होंने वार के दा पेच ना आया हो, कोई एक दसो। बड़े बड़े जरवाने इन्हों के सामने हार गए। एवें नहीं श्री गुरु ग्रंथ साहब सचे पातशाह ने बाहां उचियां करके होका दिता पे जिन मिल मारे पंच सूर वीर, ऐसो कवन बली रे वडी कौम वस भागे नाही मोकम फौज है ठली। तो फिर एक दर्जा भी देने ने जिन पंच मार बिदार गुदारे सो पूरा एक कली रे। इस कलयुग विच पूरा मां का लाल मर्द है जेड़ा इन्हां पंजां नूं जित ले, जेड़ा इन्हां पंजां नूं दलमल के पैरी ला ले। ते उपा भी दस्या कहो नानक तिन जन निर्दलिया। हजूर कहते ने उन्हें भगतां उन्हें दासां उन्हें सेवकां ने इन्हां पंजां नूं निर्दलिया चंगी तरह मसल दिता, पैरां हेठां रगड़ दिता, साध संगत के चली रहे। जिहड़े साध संगत विच आए इत्थे बिरती जोड़ी, इत्थे वाहिगुरू दे बचन सुने, इत्थे कथा कीर्तन दा रंग माणिया, आत्मक अवस्था उच्ची हो गई, उन्हां वल फिर पंजे वेख नहीं सके। उन्हां वल ए पंजे वार करना ते किते रहा दृष्टि पा के निहार नहीं सके। बली कामराय महालोभ मोहं, गयो कौन वीर सुजाते अलोहं। तहां वीर बंके बके आप मदन, उठे शस्त्र लै लै मचा युद्ध शुद्ध। बंके वीर बहादुर जरवाने लड़ाके मैदाने जंग विच आके बक पे लड़ पे गाल देन लग पे। रामचंद्र की औलाद दो पार्टियां बन गई, एक दूजे नू गाल देन लग पे। तहां वीर बंके बके आप मदन, उठे शस्त्र लै लै मचा युद्ध शुद्ध। कहूं खोपरी खोल खंडे अपार, किते खपरी चली किते खंडे चले। कहूं खपरी खोल खंडे अपार, कहूं वीर बैताल डोरू डकार। किते भूत नचे किते लहू पीने नचे, किते रात नू फिरन वाले निश्चर नचे। कहूं ईश शीशन को आ रुंड मालम, शिवजी नू कदे पता लगा पे रामचंद्र की औलाद लड़ पई आ, वो आ गया। उन्हें सिर कठे करने शुरू कर दिते पे, हुण जिड्डी लम्मी मर्जी है माला बना लईए, हुण ते कोई काटा नहीं रहना। कहूं ईश शीशन को आ रुंड मालम, कहूं डाक डाऊ कहूं कहूं बेतालम। कहूं डाकणियां चुड़ेलां लग पई गजण, किते डमरू लग पे वजण, किते रजे हो डकार लग पे मारन। गुथी लुथ जुथन, आपो विच गुथम गुथा हो गए। शस्त्रां दे वार हुंदियां हुंदियां लोथां धरती उत्ते डिग पईआं। पई कुट कुट न रुले तछ मुछन, एडी कड़कुट पई एडी कड़कुट पई। पई चंगे चंगे सोहणे फबवे भरवे जिहड़े जवान सी ओह भी तछे मुछे गए। रहे हाथ डारे उबे उर्द मुछन, कईयां दे दोवें हाथ मुछां ते रह गए, ताज देंदे रह गए। दुश्मन दा वार आया उन्हें फना फिला करता लम्मे पाता। रहे हाथ डारे
उभे उर्दमुच्छन सरोख सूर साजन। यह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज की रसना का वाक है। सरोख सूर साजन विसार संक बाजन निसंक शस्त्र मार ही उतार अंग डार ही किछू न कान रख ही सो मार मार पाख ही। अनंत शस्त्र झेले बड़े दुश्मनों के वार कई ने अपने बदन उत्ते चले सुहां का हाथ रेले निशंक शस्त्र चार ही उतार अंग डारी किछू न कान राखी सो मार मार पाके काहू के अंग कटियन काहू सरे हो पटियन काहू क मास मुछियन गिरे सो तछ मुछियन धमक ढोल टालियन हरोल हाल चालियन चिटाक चट बाहियन सो वीर सैन गाहियन। साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते ने ए बिद मचा घोर संग्राम एदा दी भयानक लड़ाई हुई एदा दा भयानक युद्ध होया। तुसी भी आम करके तो मेरिया काकियां बच्चियां भी खास तौर पर सोच दिया होनी है बुढ़े की मत मारी गई जन्मदिन बाबे नानक दा मनाउन दिया तीर तलवार चला दिते ने लौंडवान कर दी धरती ये करन की दिया है। गुरु के प्यारे जरा जुड़ो बचन दे नाल साहब सचा पातशाह कहते ने ए बिद मचा घोर संग्राम उहदे च शस्त्र बड़े चले हुलब भी जुलब भी सरोही दुतारी हुलब दी बनी हुई तलवार सूरमिया ने चलाई जुलब दी बनी हुई तलवार सूरमिया ने चलाई। सरोही एक शस्त्र का ना है दुतारी एक शस्त्र का ना है। ये उस मैदाने जंग विच आजादाना तौर पर वरते गए हुलबी जो नब्बी सरोही दुतारी बही कोप काती कृपाण कटारी। गुस्से में आके किसी ने कातियां मारियां किसी ने कटारियां मारियां बही कोप काती कृपाण कटारी। कहू शुद्ध सेलन कितो निरे मेजे कितो निरे पाले ही वरते गए भई रेल पेलन सूरमिया ने रेल पेल कर दिती लहू मिज दा कान मच गया इला उडन लग पिया कां कुरलाउन लग पे चीला ने आ डेरे लाए मांसाहारी कठे हो गए। ए बिद मचा घोर संग्राम सिदाए सूर सूर के धामा सूरमे सूरमिया दे घर नू चले गए यानी परलोक नू चले गए। सिदाए सूर सूर के धामा ते साहब आप कहने ने कहां लगे ये कथों लड़ाई आपन प्रवाह न बरनी जाई। ये मेरी अपनी शोभा मेरे अपने घर की गल है ते अपने घर की गल कहदियां वड्याई करदियां चंगे नहीं लगीदा इस करके मैं इस लड़ाई नू कित्थों तक बयान करा अपनी शोभा नू मैं कित्थों तक बयान करा आपन सभा न शोभा न बरनी प्रवाह न बरनी जाई कहां लगे ये कथों लड़ाई अपन प्रभा न बरनी जाई लवी सर्ब जीत। इस लड़ाई विच लाहौर वाले सारे जीत गए लो दी औलाद जीत गए कुशी सर्ब हारे कुशु दी औलाद कसूर दे रहन वाले सब हार गए बचे जे बलि प्राण लेके सिर हारे जेड़े को थोड़े बहुते सूर में बच गए वो अपनी जान बचा के दौड़ गए नस गए। पांच जड़ी है बड़ी बुरी होंगी है वाहगुरु हार ना किसी नूं दे। कई बार हारिया होया विद्यार्थी गड्डी हेठां आ जांदा कई बार मैदाने दंगल जिन्हों के कुश्तियां का अखाड़ा उथे हारिया होया पलवान खूह डिग के छाल मार के मरदे में वेखे। वाहगुरु किसी नूं हार ना दे जेड़ा हार जाना लफजा ना ये पता नहीं किहड़े वेले किहड़े दिमाग विचों निकल आया बड़ा पैड़ा लफजा है। जेड़े बली बहादुर बच गए राम दी औलाद कसूर विच रहण वाले कुशु दी संतान नट गए बचे जे बली प्राण लेके सिधारे। चतुर्वेद पठन अंकाश बासन उन्होंने चार वेद दी विद्या पढ़न वास्ते काशी विच जा वासा किया। चलो होर ते हुण किते सिंह नहीं समाए जांदे होर ते किते दाल नहीं गलदी चलो काशी चल के वेद विद्या पढ़िए। वेद पठन अंकाश बासन घने बरस की नो वहां तहां ही निवास कई सौ वरा वो काशी विच रहे ते वेद विद्या विच निपुण होए वेद विद्या विच चतुर होए
वेद विद्या विच सियाने बन गए, वेद विद्या दे माहिर बन गए। कने बरस कीनो तहां ही निवास, अच्छा वाह चलो ये भी पाना ही है, आओ के नहीं पाना ही है, ये मनना ही पैदा। जे वो निके निके साडे कोल होंदे खुशी पाए, साडे दाड़ियां वालियां कोल सांभे ही ना जाने, बेचारियां सांभते लैंदियां ओ जाने औखियां हुण सौखियां, सांभ जरूर है साथों नहीं है सांभिया जाना। बचे जे बली प्राण लेके सिधारे, चतुर्वेद पठियन कियं कास बासन, घने बरस कीनो तहां ही निवासन। जिने वेद पठ्यो सो बेदी काए, तिने धर्म के कर्म नीके चलाए। जिन्हां ने वेद पढ़े उन्हां दा नाम पै गया बेदी, बेदी मैंने वेद जानने वाला। उन्हां बेदियां तो पंजाब विच बेदी खानदान आबाद होया, उन्हां चो पहला बेदी नाम दा आदमी, बेदी खानदान दी कोई चीज पंजाब च है नहीं। एक होर भी गल चेते रखनी, तू पंजाब दे रहण वाला दूर आ गया, ता कि चार दे चार वेद पंजाब दी धरती विच उच्चारण किए गए ने। एक वेद ऐसा नहीं जिहड़ा पंजाब तो बाहर को हिमालय उत्ते किते उच्चारण किया गया होवे, जां होर किसे जंगल च, जां होर किसे जगह जाके। ये पंजाब दी धरती नूं शर्फ है, पंजाब दी धरती नूं माण। ते जदों कृष्ण ने भावें चंगी गल सी ते भावें मंदी गल सी, सूरमियां दी परख करनी सी, धरती उदों वी पंजाब दी चुनी गई, कुरुक्षेत्र दा मैदान उदों चुनिया गया। इत्थे खूणियां दीआं खूणियां खरक हो गईआं, बड़े बड़े सूरमे सदा दी नींदे सौं गए। जिने वेद पठ्यो सो बेदी काए, तिने धर्म के कर्म नीके चलाए। सियाने हो गए, दयाने दाने हो गए, समाज दी मर्यादा बनाई, राजे नूं गुर सिखाए, प्रजा नूं धर्म सिखाया, ईमान सिखाया, बड़ा शांत ते बड़ा सोहना सुंदर वातावरण पैदा कर दिता। ये बेदियां दी बहादुरी सी। तिने धर्म के कर्म नीके चलाए, ते राजा लाहौर वाला जिहड़ा सी ना लऊ दी औलाद, उन्हूं कदे पता लगा ते मेरे खानदान दे बंदे काशी रहिंदे ने, उन्हां वेद पढ़े ने, विद्वान बन गए ने, बेदी उन्हां नूं आंदे ने, सियाने बड़े ने, हैन खून साडा, हैन ओ भरा साडे, ते असीं आपस विच कई जंग लड़े ने, कदे ओ हार गए ते कदे असीं हार गए। ये सोच सुनी राजे लाहौर वाले ने, कई चंगी घड़ी होवेगी, कई चंगी साय तो होवेगी, किन्नी चंगी शुद्ध हवा उस वेले दी होवेगी, किन्ना सोना अन्न जल उस वेले दा होवेगा कि लाहौर वाले राजे ने पठंग कागद मद्र राजा सुधार। लाहौर वाले राजे ने बड़ा सुधार के सोध के एक पत्र कागज उते चार हर्फ लिखे, अपने एक सिपाही नू देके काशी भेजिया। जिस वेले बेदियां ने पढ़िया ते उहदे उते लिखिया सी आपो आप में बाहर भावंग विसार। राजे ने यह तमन्ना जाहिर की, बेदियो महापुरशो दयालुओ, आओ रल के मिल के बैठ के अपने अपने वैर भाव गवा लीए, लड़ाई झगड़ा मिटा लीए, एक दूजे का खून खराबा करना मिटा लीए, धरती मां की हिक नू खून नाल रंग लेना करिए। जिस मां का अन्न खाने, जिस मां चो कढ़िया होया पानी पीने, इस मां नू असी पलीत और अपवित्र ना बनाइए। आओ बेदियां ने जाने पे आ होवे राजनीति दा मालक, होवे ताजो तखत दा मालक, हुण कोल फौजा, हुण कोल खजाने, मोरां नाल चांदी नाल सोने नाल भरे हुए हुण खजाने, ते भावना एडी सोहणी, भावना एडी उच्ची। असीं ते मंग के रोटी खाण वाले आ, किसे दिन चंगे शलोक दो पढ़ ले ते किने आख्या भी साडे घर रोटी खा ली, नहीं तो सतुआ नाल ही गुजारा करना पैंदा। और राजे ने अपना आप पेश किया, चलो चलिए सारे बेदी कट्ठे हुए, सबे बेद पाठी चले मद्र देसन। जिथे अजकल श्री अमृतसर साहब है, इथे सकी ते ब्यासा ये दोवें नदियां मिलदियां सन, बड़े बड़े साधु महात्मा रहिंदे, बड़ी रमणीक जगह सी, बड़े बड़े तपिए लोग इथे रहिंदे सी। इथे आके बेदियां ने डेरा लाया, लाहौरों चल के राजा इथे आ गया। ते आउंदियां सब तो पहला राजे ने बेदियां नू प्रणाम कीती, ताज वाले ने चिपी वालियां नू प्रणाम कीती। इनू आंदे ने पे सची मुची अपने विचों वैर गवा ही देना, बिल्कुल निढाल हो जाना।
प्रणाम कियो आन कह कह नरेश निरा मथा नहीं टेके, हाथ जोड़ के अर्ज की बेदियो महापुरशो वेद पाठ जानने वाले हो वेद विद्या दे माहिर लोको, मैं तुहाडे कोलों वेद सुनने चाहुंदा। मैं जिसे अपने सिखां दे दरबार विच गुरु ग्रंथ साहब दी ताबिया किसे सिख कोलों सुनना ना, दाड़ी उहदी चंगी हुंदी है पग उहदी काली हुंदी है, ते सुनना है प्यो बीबी आई आनू आखी फलाना गीत सुनावे, ओ तेरा बेड़ा तर जाए की इहदे कोलों तू माल कौं से सुन लगा। बड़ी सिफारिश पाती हो गुंजलदार पे मैनू पंज तार दी सवारी सुना, साडे मुतालबे बड़े घट घट गए ने, असीं नीवे बड़े हो गए हां, साडी मन की जड़ी सी ना कोई स्वाद वाली गल वो दे नीवी हो गई है। मेरी गल याद रखियो भावे तुसी बहुते नहीं कट्ठे होए, चेते रखो अज तो 35-40 वरे दे बाद तुहानू पंथ विच कोई सियाणा पाठी नहीं मिलेगा, तुहानू पंथ विच कोई सियाणा कीर्तनिया नहीं मिलेगा, तुहानू पंथ विच कोई गुरु ग्रंथ साहब दे अर्थ जानने वाला नहीं मिले अज तो 40-45 बरस दे बाद। साडा रवैया बड़ा गलत है, असी स्रोते बन गए ढोलिया के माहिए दे, असी स्रोते बन गए टप्पिया के ते कवालिया दे, असी स्रोते बन गए गीतां दे, जिहड़ी कोई निगर चीज है उहदे लागे फटकड़ा नहीं चाहुंदे असी, जिथों सानू कुछ लभना कुछ मिलना साडी वाकफियत वधनी है साडी आत्मक अवस्था उच्ची होनी है। राजे ने मुतालबा किया हथ जोड़ के दात मंगी है मैनू वेदा का पाठ सुनाओ, मैं गीत नहीं सुन रहा मैं तो वेदा का पाठ सुनना। ते विचित्र नाटक कहिंदे ने हुक्म देंदे ने दसवें बापू की कलम नाल लिखे गए अखर ने पढ़े शाम वेदं यजुर्वेद यजुर्वेद कत्यं, पहला वेदियां ने शाम वेद पढ़िया, ते वेद पढ़न का कायदा है पे जेड़ा वेद होवे जिस युग का होवे ओह जिहा लिबास होवे, वेद पढ़न का कायदा यह है 18 तांतां दा थड़ा बनिया होया होवे उस थड़े उत्ते वो वेद प्रकाश होवे, चार चफेरे उहदे वेदी होवे ताकि उहदा अपमान ना होवे, ते हुण वेद अलोप हो गए थड़े अलोप हो गए निरी वह वेदी वेदी रह गई, जिदा सिखां कोलो गुरु ग्रंथ साहब को खोह के लै जाए ते निरा पीड़ा ही पीड़ा रह जाए, तेरे चार चफेरे पाउंदे रहण, इदा हिंदुआ विचारिया नाल होई, वेद लभदे नहीं वेदी नाल ही बुता सार लैंदे ने। रिगम वेद कत्यं करं भाव हत्यं, जिस वेले रिग वेद पढ़े ने राग विच पाके ते उस वेले लफजा नाल अर्थ नहीं किते, ते रिपू का अर्थ दुश्मन हुंदा, असी तुहानू इन्ना भी नहीं ना जानदे हौका जिहा वजा, ते गुआंढण ने पुछया नहीं गल की है, कहण लगी भैण की दसा गल कुछ कहण वाली नहीं, जे तू समझ जाए तो मैं तैनूं बेनती कर दिया, भूमि दंश रिपु शब्द सुन त्याग चलो पति मोह, भैण धरती नूं डंग मारन वाला उस कीड़े दा दुश्मन ते उस दुश्मन कीड़े दा दुश्मन उहदा शब्द सुन के मेरा पति मैनू त्याग के घरों तुर चलिया, ते शिव सुत बाहन ताश रिपु उस कीड़े वल वेख के धरती च डंग मारन वाले कीड़े वल वेख के उस कीड़े का जिहड़ा दुश्मन है खा जाण वाला उहदी आवाज वेख के पतिव्रता स्त्री जलाल विच आ गई, कहण लगी शिव सुत बाहन, शिवां दा जिहड़ा पुत्र है ना गणेश, ते जिहड़ा गणेश दा बाहन जिदे ते गणेश चढ़दा वह जरा गणेश का बाहन है गणेश की असवारी ताश रिपू उस असवारी का जरा दुश्मन है ना, अमृत वेले बोलने वाले भोर मिलाव तो है सवेरे तेन दर्शन करावगी वो मैं जिदा बचन सुन के मेरा पति चले चलिया, समझ गए ना गल, भूमि डंश थोड़े चुके ने डंगर चारे ने तुसा डंगर चार दिया वेख्या होना है एवं निकी जी एक खुती जी बनी होंगी सी ते रंबे नाल इउं करिए ते विचों इक कीड़ा निकलदा निकलदा सी उहनूं असीं पब्बू आंदे सां, पब्बू भूमि डंश धरती विच डंग मारन वाला कीड़ा, भूमि डंश रिपु उस कीड़े दा रिपु मैंने दुश्मन कुक्कड़ मुर्गा उहनूं फड़ के खा लैंदा सी, भूमि डंश रिपु शब्द सुन त्याग चलियो पिया मोह, मुर्गे दा बचन सुन के प्रभात वेला जाण के अपने पति मेरा पति अपने काम से चलिया गया
मैनू पति का विछोड़ा हो गया ते दुखी होके कह लगी हे कुकड़ा शिव सुत बाहन जड़ा शिव जी का पुत्र है गणेश ओदा जड़ा बाहन ओदी जड़ी सवारी है चूहा ताश रिप उस चूहे का जड़ा दुश्मन है ना बिल्ला वो पोर मिलानू तो है उस बिल्ले अगे उतरिया तेन सवेरे भावे भी तेरा रहन कख ना देगा तू बोले ते पति करो गया हूं यह गलों वाल तो आता कोई नहीं हूं तो यह गल सुन जारो कविता सुनाता भाई बोती उत्ते चढ़ गए असी तीन सिंह जी वो दो मील जाके बोती पई रिंग जी वो दो फिर पछा आ जाने इधरों दो गां आ जाने कहते उतों चुक लिया दुध वाली काड़नी असा केड़ी दुध की लटाइन चाड़नी तेरा बेड़ा तरजा वे विद्वान का एक इधरों के दूजे बने दो गांज जिमें सौकड़ा लड़दिया ने कहते बीजी आदि तारा मीरा खा गई हरनी कुछ पुट के गुआ गई चंदी बाजी गरनी जे योजा बकवास बकना हो मैनू सवेरे कल्यार दो शाम तक मैं दुबान मूह च पा जाऊंगा आलामा दो कुछ बकवास ही बदी जाना ना भाई फूल चे लगे आदवान जी बड़े बड़े आए इतने विद्वान जी उत्ते ने चाननिया हेठा ने दरिया गल्लां इत्थे होण खरियां ते खरियां नाले रिद्धी दाल पक्कियां ने रोटियां और रोटियां दे बिना पाइया गल्लां खोटियां बकवास ही ना जिन्ना मर्जी बगी जाओ इहदा नां असां कविता रख लिया जिस वेले कविता सामने आ जाए ना मित्रा उस वेले ते लत्तां कंब जांदियां ने ते कविता आंदे किन्नू ने उहनू ते समझणा बड़ा औखा हो जांदा कविता आंदे किन्नू ने इस बकवास दा नाम कविता नहीं इनू कविता नहीं आंदे पे लाम अल्फ फूक कमाद नू अग लगी ढाई मन रुपये का गुड़ विकया गंडा सिंह की बेनती रब अगे आंदे वरे नू टावा टावा बीजांगे नीवे हो गए बहुत निकर गए जिन्हों का जिक्र मैं कर रहा प्यारे उन्होंने वेद पढ़े ते लफजां दे अर्थ जुबान दे शब्दां नाल नहीं कीते सजी उंगली दे इशारे नाल निक्की उंगली दे इशारे नाल विचकारली उंगली दे इशारे नाल छोटी उंगली दे इशारे नाल अंगूठे दे इशारे नाल बुलां दे इशारे नाल परवटियां दे इशारे नाल डेलियां दे इशारे नाल अपने चेहरे दा मोशन बदल के सारे वेद दे अर्थ उन्होंने एक्टिंग दी राही कीते किन्ने विद्वान होणगे ते जे उन्होंने यह गजब किया ना अर्थ करने विच ते कदरदान होवे ते लाहौर वाले राजे वर्गा होवे पड़े शाम वेदन यजुर्वेद कथ्यं रिगंग वेद कथ्यं करं भाव हथ्यं रहारीज राजा लाहौर वाला राजा खुश हो गया प्रसन्न हो गया रहारीज राजा एडा कदरदान एडा कदरदान चिप्पी फड़ के मंग के खाण वाले बेदियां दे सामने हाथ जो के खलो गया रहारीज राजा दियो सर्ब साजा सारा राज साज देता सारी हकूमत हवाले कर दिती तन हो तुसा वेद पाठ सुना साडे डेरे च शंतीश्वर सिंह महाराज जी हुंदे सन ओह कहिंदे सी दृग रीजन बिन देन जिहड़ा निरा ही वाह 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 आह बल्ले बल्ले हद करती भाई हथों कख ना चढ़े कहिंदा ओहदे रीजन ते वी लानती है दृग रीजन बिन देन देन दृग देत जो की जाए ते उस देन नूं वी लानती है जिहड़ा खिजदा खिजदा दे पे भाई ढड वाले आए ते पौंड देना पिया उस देन नूं वी दृग रीजन बिन देन देन दृग देत जो की जाए दृग खीजन बिन दया जिस खिजन विच दया है नहीं ना उस खिजन ते वी लानत है दया दृग धर्म ना पाले उस दया नूं भी लानत है जिस दया दे अंदर धर्म दी पालना ना होवे बड़े बड़े दाने दुनिया ते हो गए ने बड़े बड़े हीरे साडी ओ चोली च पै गए ने ना सानू कदर पा गए ने ना सानू कदर है ते वखरी गल दियो सर्ब साजा रहारीज राजा दियो सर्ब साजा धनंग धाम त्यागे धन भी ते कर लाहौर वर्गा किला यारो सब छड़ दिता प्रभंग प्रेम पागे रब दे प्रेम च मस्त हो गया लियो बन बासन जंगल दा वासा कर लिया लियो बन बासन सभा पाप नाशन रहे होर लोग लोगों ने रोकया आप एवं चार छलोक के ब्राह्मण को चार छलोक के राजा दे राज दे के भिखारी ना बनता फिर ठूठा लैके मंगता फिरेंगा रोकया लोगों ने रहे होर लोग तजे सर्व सोग किसी की गल नहीं मनी चले गया जंगलों उत राजा कन में सिधायो ये तेन राज करत सुख पायो लवी राज दे बन गए बेदियन कीनो राज भांत भांत तेन भोगे ओ भूको सगल समाज
लाहौर वाले राज देके जंगलों नु चले गए, बेदियां ने राज किया, सृष्टि दे भोग भोगे, सारा रंग माणिया, तेज तप अपना दसिया, लेकिन बौरो बिखाद बदी। बेदियां दे खानदान च लड़ाई आ गई, झगड़े वर्ग, बौरो बिखाद बदियां, किने न ताए सदियां, उन्हों कोई सुधार ना सकया, लड़ाई झगड़ा बेदियां चो कोई मुका ना सकया। मैं अजे भी बेदी लड़दे वेखे ने पिया, मेरी सिखी सी इत्थे, तू क्यों आया? बाबे नानक दी सिखी नहीं हुण, अपनी सिखी बनाई हुई है, मेरी सिखी तू की लैण आए होए थे? ओदे नाल लड़दा पिया, मेरी सिखी तू क्यों लैण आयो? हे बाबा नानक, हैरान हो जाईदा किसे वेले पे, तेरी सिखी किते गई? बरो बिखाद बदियां, किने न ताए साधियां। करम कालियों भई, समय दी हवा ऐसी चली के भूम बंस ते गई, बेदियां दे खानदान विचों धरती खिसकनी शुरू हो जाए हो गई, जिथे लड़ाई झगड़ा कदूरता कपाहता, जिथे कुकर्म, जिथे रंग रलिया, जिथे तमाशे हासे आ जाने, उथों धर्म कर्म उड जांदा, उथों पृथ्वी भी उड जांदी है, ते कुछ साड़ी अपनी मौज भी है। बिलासपुरी राजे ने घर भारी बनी, उन्हें रणजीत सिंह नूं लिखिया, लाहौर रणजीत सिंह ने सिखां दी फौज भेजी, जित गए। ते बिलासपुर वाले राजे ने पंज पिंड दिते सिखां नूं जिहड़े उत्थे रह पए, पंज अठकवारे होए ने। मैं उत्थे गया ते उत्थों दा इक ग्रंथी मैनूं लै गया, आओ जी तुहानूं भाई वीर सिंह दी डेरी विखा लईए, लै गए मैनूं। वो जिस वेले गए कहन लगे, जी जदों रणजीत सिंह ने सिपाही भेजे ने ते वो जित गए ने, उदों दा इनाम मिलिया होया, इत्थे भाई वीर सिंह जी शहीद होए ने। ते वो गल्लां करदा करदा कहिंदा, जी पंज पिंड सन, हुण इक्को ही रह गया। मैं कहा, ओए पंज किथे गए? अगे साडे भरा कौली च पा के पी गए, पंज दे पंज पिंड कौली च पा के पी गए रहन। ये हुण पंजवां तां नहीं विक सकदा भई ये गुरु ग्रंथ साहब दे नां हिबा है, नहीं तो छड्डणे दा भी कख ना, रहने भी ना देण। जिथे कुकर्म आ जाएगा उथों धर्म चलिया जाएगा, शर्म चले जाएगी, हया चलिया जाएगा। बेदी गरीब हो गए, धर्म कर्म छड बैठे, बीस गाव तिन के रह गए, तिन मोकरत किसानी भय, सिर्फ भी पिंड रह गए, उन्हें च माड़ा मोटा गुजारा कर दे, कि मां बीज ले, कि तिल बीज ले, कि कणक बीज ली, कि छोले, वो खाण पीण जोगा अन्न पैदा कर लिया, पले कुछ ना रहा, राज साज ना रहा। बहुत काल ए भांत बितायो, इस गरीबी की हालत विच बेदिया ने बड़ा समा बतीत किया, बहुत समय के बाद बहुत काल ए भांत बितायो, जन्म समय नानक को आयो, तीन बेदियन की कुल बिखे, तीन बेदियन की कुल बिखे, प्रगटे नानक राए प्यारे, प्रगटे नानक राए, प्रगटे नानक राए प्यारे, प्रगटे नानक राए, प्रगटे नानक राए, प्रगटे नानक राए, वाहिगुरु वाहिगुरु। पिछले हफ्ते तुसीं पुरब मनाउंदे हटे हो प्यारे हो, उन्हां बेदियां दी कुल विच हजूर दा अवतार होया, सब सिखन को सुख दियो जै तै पै सहाय, की उन्हां ने कीता? ए पलके तुहाडी सेवा विच अर्ज करांगा, बशर्ते कि तुसीं आ गए, जे तुसीं ना आउंदे ते मैं चले जाणा सी। मैं अपने लड़के नूं कह दिता, जिहड़े गुरमुख मशीनां चुक के लिया ने, इन्हां नूं वी कहता भी आया ते आ कोई नहीं, ते मैनू गीत गाउणा नहीं आउंदा, मैं करां ते दसो की करां? तो लड़का मेरा ही मैनू कहण लगा, भी पापा जी अपना जिहड़ा कार्ज आ उहदे करो, कुछ गुरमुख प्यारे ताबिया बैठे हुए गुरु ग्रंथ साहिब जी दी, उहनां दी छत्र छाया, कुछ मेरे सज्जे हथ बैठे जदों मैं आया आप कीर्तन कर रहे सन, बाणी पढ़ रहे सन, कुछ इहनां दा प्रभाव, कुछ तुसीं गुरु के सिख आ गए, कुछ तुहाडा असर कबूल के मन जरा हिम्मत विच आ गया, ते थोड़ा जा हरी जस कर लिया। कल दा दिन मैं आवांगा जरूर, जे तुसी समय सिर दर्शन दिते ते फिर सतगुरां दी हाजरी भर लांगे, ते जे तुसी ना आए ते मैं समझ लांगा भई तुहाडू मेरा स्वाद नहीं आया,
या लून घट हो या मसाला घट हो कोई गल होगी। जे तुम मेरे सिर आ गए तो फिर मैं समझ लागा भी तुहानू कोई स्वाद आ गया, तुहानू मैं पसंद आ गया, तुहानू गुरबाणी नाल बड़ा शौक है, फिर बाबे दे जीवन दा कोई ना कोई अजीब करिश्मा तुहाडे सामने पेश किया जाएगा। ऐस वेले दियां भुल्लां गलतियां गुरु रामदास पातशाह दे दरबार दा कूकर जान के माफ करनिया, बचन सतगुरां दा जान के अंदर वसाउणा ताकि मेरा तुहाडा समा सफल हो जाए। असीं अंत वेले गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दे दरबार विच मुख उजला लैके जा सकीए। गुरु नानक देव, गुरु अर्जन साहब, श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब, हे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, तेरिया कुछ बचिया ने, तेरे कुछ सिखा ने, तेरे आगमन दा, तेरे शुभ आगमन दा आदर सत्कार करदिया होया तेरे नाम तो माया सदके कीती है, माया अरदास कीती है, सब सिखां दे मनोरथ पूरे करने, मन नूं शांति बख्शनी, कार्ज सफले करने, लोक परलोक दे सुखां नाल झोलियां भरनियां। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।